ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अगस्त 16, 2023। बाप दादा मधुबन। प्रथम मुरली है श्री बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। दूरादेशी, दूर देश को देखने वाले, विशाल बुद्धि, पूरा का पूरा चक्र। बुद्धि को विशाल बना दो, हर एक को आत्मा देखो, सब हदे समाप्त बेहद। इसलिए बाबा कहते दूरा देशी और विशाल बुद्धि बनो। श्री बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वाले को उच्च पद नहीं मिल सकता। बाबा कहते सपोर्ट ना करो तो कोई बात नहीं, मगर डिस्टर्ब तो नहीं करो, वरना क्या होगा, डिससर्विस होगी और हमारा पद कम हो जाएगा। इसलिए तीन बातें, दूरादेशी बनो, विशाल बुद्धि बनो और बाबा के कार्य में सपोर्ट करो। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे और हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वहाँ वर्षा लेकर जाते हैं। देवता घराने के जितनी भी आत्माएं हैं बाबा से डायरेक्ट वर्षा लेती है, यहाँ से वर्षा लेकर वहाँ जाती है। उनको जो मिलता है उनके पिता की ओर से, वो यहाँ की मेहनत का फल है। वहाँ कोई मेहनत करता नहीं है, वहाँ कोई पुण्य दान पुण्य करता नहीं है, वहाँ कोई भगवान को याद करता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए वर्षा यहाँ से ही मिलता है। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजा है। क्या समझते हैं? अविनाशी राजा है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ के पुरुषार्थ के आधार पर ही हमारा पूरा भविष्य बनता है। और उनको फीलिंग है, वो सोचते भी नहीं है कल क्या होगा, क्योंकि बाबा कहते हैं उनका जो था काम करना था उसने यहाँ कर लिया। उसका मन और बुद्धि चलना आराम से बंद हो जाता है, आराम से रहते हैं, खत्म। प्रेजेंट में जीते हैं पूरा का पूरा, ना पास्ट में जीते हैं ना फ्यूचर में जीते। इतना सुख है, एबंडेंट है एवरीथिंग। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। क्यों? क्योंकि बाबा ने माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी, बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है, अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई यह तुम भी नहीं जानते थे, हमें भी पता नहीं था। बाबा का ज्ञान मिला तब पता चला कि बाबा ये दुनिया वाले हमने जो रस्म रिवाज बनाई वो किसके लिए बनाई, तब हमें भी पता नहीं था। इसलिए बाबा कहते ये तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। बाबा कहते जाते हैं बेघर बनकर ही, कुछ न कुछ मांगेंगे जरूर। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। आइडोल जो है जड़ चित्र, उसमें कोई ताकत नहीं। ताकत कब आती है? जब भावना हमारी परमात्मा के साथ जुट जाती है तब उसका फल मिलता है, तब तक नहीं मिलता। बाकी जड़ चित्र में तो कुछ है ही नहीं। मगर समझते नहीं है, तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवी कुल की पालना करेंगे, तो सब ने एक जन्म पुरुष एक जन्म स्त्री। इसलिए बाबा कहते सब आत्मा
अगर मेजोरिटी माताओं की है इसलिए माताओं का चित्रण किया गया है, सिंबलाइज का किया गया। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो परंतु कोई जानते नहीं। हम जो वाइब्रेशन फैलाते हैं, हम जो सोचते हैं उनकी वाइब्रेशन बन जाती है, वातावरण में चली जाती है। इसलिए किसी को पता नहीं चलता करने वाला कौन, और हम भी क्या सोच कर करते हैं बाबा का कार्य, इसलिए अभिमान भी नहीं आना चाहिए। चंडिका देवी का भी मेला लगता है, खाली अंबिका नहीं चंडिका भी लगता है। चंडिका नाम देखो कितना छीछी है, अच्छा नाम नहीं है ना। बाबा कहते हैं इसको कहते है, सुनो, जो आश्चर्यवत भागंती हो फार्गति देते हैं वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। चंडिका वर्ड आया चंडाल के नाम पर। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो या तो चंडाल हो। बच्ची होगी तो क्या कहे, चंडी कहेंगे, बच्चा होगा तो चंडाल कहेंगे। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी चंचलता करते हैं, चंचलता अर्थात अवज्ञा करते, दूसरा कुछ नहीं। घर में भी चंचल बच्चे क्या करते, माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं, मतलब अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, अवज्ञा करना मतलब सेवा नहीं करते उसमें डिस्टर्ब करते, सेवा हो रही उसमें, तो अंत में चले ही जाते हैं। एक न दिन दूसरे दिन जरूर बाबा कहते हैं गुड बाय हो जाएंगे, चले जाएंगे, टिक नहीं सकेंगे। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, खाली हमारी बात नहीं है सबकी, संसारी सेंटर दोनों, कुछ चंचलता करेगी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है, काफ़ी बहनें ऐसी है आज भी है देखते हैं, तो लोग तो कहेंगे। अब एक चंडिका तो है नहीं, बहुत होती है, देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, दोनों का गायन है, क्योंकि कुछ तो कर्म किया है, बाबा के लिए जीवन तो समर्पित किया है, तो बाबा कहते कुछ तो गायन होगा, फिर भी ईश्वर के बने हैं गायन, क्यों है कि खुद बाबा के बने हैं ना, बाबा को पहचाना है। पल को चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाबा कहते हैं अवज्ञा करेंगे बाबा को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक न एक न एक दिन माया खा जाएंगे, तो चले जाएंगे मगर स्वर्ग में जरूर आएंगे, मालिक तो बनेंगे ना, क्योंकि जीवन दिया है बाबा के लिए कुछ किया है, भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं सब जगह पे, सब MLA MP सब MPP यहाँ मालिक है, मगर सब कहेंगे ना हम भारतीय है या कैनेडियन है, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक है, सब कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है, देखो कितनी देशभक्ति की बातें चलती है, क्या क्या हो रहा है, जानते हैं क्या पोजीशन है, तो भी बातें कितनी कर, क्यों जो पास्ट हो गया उसका गायन है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था, क्या गाते था, अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ गाई हुई है, वल्लभ बाप को कहा जाता है, वल्लभ कह रहा हूँ वल्लभ गाया भी जाता है, एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियाँ, सतयुग में तो गोपिकाओं के आदि की बात ही नहीं है, वहाँ तो है ही क्या राजकुमार राजकुमारी है, वहाँ गोप गोपी को गोप गोपियों की बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे विशाल दूरान देशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है, वरना क्या था, माया ने बुद्धि का ताला द्वापर से लेकर अंत तक बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो, हर एक को नशा तो रहता है ने, अभी बिड़ला है बिड़ला, उनको अपने धन का नशा होगा ने, जो भी पैसे वाले हैं तो पूरा ईगो रहता अभिमान रहता है, उनके पास समय नहीं है और अभिमान, इसलिए वो आ नहीं सकेंगे।
समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कर नहीं सकेंगे, तो फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। वो लोग सब कुछ यहाँ ही कमाते, यहाँ ही लगाते हैं। बाबा कहते हम तो क्या यहाँ कमाते हैं, फ्यूचर के लिए लगाते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे तन मन धन से दुनिया को बाबा परिवर्तन कर देता है, तो रिटर्न हमें ही मिलता है ना। बाबा को तो जरूरत नहीं, उनका शरीर ही नहीं है। कोई तो क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसे हूँ या ऐसी हूँ आदि। इनको मतलब ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे और नंबर वन जौहरी थे। इसलिए तो बाबा ने 400 भाई बहन जो थे यज्ञ में सबके नाम बदली कर दिए, इनक्लूडिंग ब्रह्मा। क्यों? देह भान छूट जाए, मैं फलाना हूँ या मैं फलानी हूँ ये छूट जाए, इसलिए बाबा ने सबके नाम बदली किए थे। दूसरा कोई राग कोई कारण नहीं था। मम्मा का नाम क्या था? ओम राधे नाम था, नहीं राधे नाम। दादी प्रकाश मणि का रमा नाम था। तो अलग अलग हरेक के नाम थे। दादा का नाम दादा लेख रहा था। बाबा ने सबके नाम बदली कर दिए। क्यों? देहवान टूट जाए, पुरानापन टूट जाए, वरना छूट नहीं सकता है। और वो रसम आज भी भक्ति मार्ग में संन्यास मार्ग में चली आती है। कोई भी संन्यास लेता है तो नाम बदली किया जाता है। कहाँ से? अभी की सब सिस्टम चलती है फ्यूचर में। कल था ने यहाँ जितने फेस्टिवल है वो सब किसके हैं? संगम युग के फेस्टिवल है। वहाँ तो साध माना मना देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर दिन उत्सव है वहाँ। इसलिए बाबा कहते सब यादगार यहाँ की है। जो बाबा ने यज्ञ में किया सब यादगार बन गया। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल है दुनिया में। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुए है, नारायणी नशा, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्र खाएंगे, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। बाबा कहते यहाँ पुत्र पोत्रे धोत्रे की बात ही नहीं है। तुम तो जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे करेंगे सो पाएंगे नहीं। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूरी हमारी फैमिली जो बन रही है सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे, यह खालात वहाँ नहीं रहती, जरूरत भी नहीं है। समझते हैं अविनाशी राजा है, ऐसा समझते हैं एबंडेंट है, खलास कभी होने वाला ही नहीं। यहाँ भी देखो बाबा के बच्चे बन जाते, फिर देखो धीरे धीरे अपने जीवन में भी ये स्टेज आ जाती, एक दिन आ जाएगी नहीं है तो। आप मानेंगे बाबा ने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत, पर बाबा देता जाएगा। खाली शुद्ध स्नेह से, शुद्ध मन से बाबा को शुद्ध बुद्धि से याद करते, हर इच्छा बाबा यहाँ ही पूरी कर देता, कोई इच्छा बाकी नहीं रहने देता। आपको चारों ओर से छुड़ा देता है, सब अटैचमेंट से, मोह से मुक्त कर देता है। उनका ज्ञान ही इतना महान है। खाली इतना ही करो, हर रोज सुनो, बस अपने आप ताकत आती जाएगी, अपने आप सब कुछ छूटता जाएगा। आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि जैसे कि युधिष्ठिर, कोई आपको हिला नहीं सकता। स्वयं खुद हिले तो ही हिल सकते हो, बाकी किसी की ताकत नहीं है आपको हिला सके। ये साथ कौन है? बाप है। बाप को भूलते हैं तभी हिलते हैं, बाकी हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बाबा की गारंटी है। सब कुछ आता जाएगा। सोचो कि बहुत दिया है बाबा ने, बहुत दिया है, बहुत दिया है, तो आपको बढ़ता ही जाएगा। एज यू थिंक सो शैल यू बी। ये सबकॉन्शियस माइंड का पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो बाबा हमें जगा रहा है। इसलिए वहाँ भी वही समझेंगे जो यहाँ से संस्कार डाले हैं, वो अविनाशी राजा है।
यहाँ तो रोज लोग समझते हैं पुत्र पोत्र खाएंगे, राजा लोग सोचते यहाँ जो किंगडम होता है वो क्या समझते हैं हमारे फ्यूचर जनरेशन खाएगी। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उनका फल मिलता रहता है, पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता है वहाँ। यहाँ भी वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा ने, हर धर्म में याद करते। कुछ न कुछ दिया है आत्मा को, अटेनमेंट किया है आत्मा ने, तब तो याद करती है ने, संस्कार छपे पड़े हैं उनके अंदर, वरना याद क्यों करेगी। एक इंसान मूर्ख हो सकता है, दो स्टूपिड हो सकते हैं, तीन बुद्धि बिगड़ के हो सकते हैं, मगर मिलियंस ऑफ पीपल कांट बी लाइक दैट। वो प्रे इसलिए करे मिलियंस ऑफ पीपल, कहीं ना कहीं वो है, कहीं ना कहीं उनसे प्राप्ति हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं भारी सुख मिलता है ना। गाते हैं ने, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिलता, पीना तो पड़ेगा, पास में पड़ा है तो अभी इतना तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इनकी आत्मा अच्छा पड़ती है तो नारायण बनते, दादा नंबर 1 है वो। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे, आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ, ये याद रखना है, घोटना है तो नशा चलेगा कि हम आत्मा है। कैसी आत्मा है? खाली आत्मा नहीं है, हम शांत स्वरूप शक्ति से भरपूर आत्मा है, पवित्रता से भरपूर आत्मा है। कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे, आत्मा सीख रहे हैं। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाड़ बजाएगी, शरीर बदलेगा, आत्मा तो वही रहेगी ने, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही रहेगा, बाकी नहीं। फिर यह ज्ञान परायणोप हो जाएगा, वहाँ कोई पतित होगा ही नहीं, माया ही नहीं तो पतित कैसे होगा, ज्ञान किसको देंगे। पतित पावन को यहाँ याद करते हैं, वहाँ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल बन जाते, देवता बन जाते, जिसको कहते हैं भगवान भगवती। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है ना, राजयोग के बिना कोई पतित से पावन बन नहीं सकता, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्यों है, क्योंकि वो मिला है, उसने दिया है, हमारे में भी नहीं था। तुम सब पढ़ते हो एक ही क्लास में, लेकिन नंबर 1 हो, क्योंकि ये स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये कोई सत्संग नहीं है। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी बिगिनिंग में, फिर 100 ऐड हुए, 400 की हुई, गौशाला में हजारों की अंदाज में गौवे हो तो कोई भी संभाल ना सके। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी, उनमें से कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े, 300-400 में से बाबा कहते 100 ही बच्चे बाकी चले गए। कई बच्चे समझते हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है, सुनो, जो नए नए आते उनको ऐसा लगता है पहले से थे वो अच्छा, तो बाबा के वैसे भी नहीं, पुराने पुराने कितने भागंती हो गए, पुराने होते तो इसमें भी नंबर आ जाता, पता नहीं है ना। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं, भूल जाते हैं, नाम मान शान में फंस पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते, फिर नाम मान शान का बड़ा नशा चढ़ जाता। बाबा कहते वही तो सबसे रॉयल फॉर्म ऑफ माया है, इसलिए खबरदार रहना है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है, निश्चय बैठ गया खत्म,
और कहीं भी जाओ कहीं निश्चय वर्णनीय बाबा के सिवा। देखना वरन, श्रद्धा की बात है, फेथ की बात है, आस्था की बात है, पूजा की बात है, अर्चना की बात है, फेथ शब्द बाबा ही यूज करते हैं निश्चय, बाकी कहीं भी नहीं है। एक सेकंड में निश्चय बैठ गया, मालिक बन गए, फिर आगे चलने पड़ेंगे, चल पड़ेंगे ना। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जब तक बाबा का नहीं बनेंगे तब तक कुछ मिल नहीं सकता है। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते, प्रजा भी पाते, इसमें क्या बड़ी बात है, नाम कहते दोनों पाते हैं ना। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, अगर फर्क कहाँ रहता है, स्टेटस में रहता है ना। प्रजा भी कहती है हमारा स्वर्ग है, राजा भी कहते हैं हमारा स्वर्ग है, मगर राजा मालिक है, प्रजा मालिक नहीं है, स्टेटस में फर्क है। बच्चे जो पूरी रीति पढ़ते नहीं है वह क्या करते होंगे, चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते, चंचल का मीनिंग बाबा ने बतला दिया, जो बाबा की आज्ञा को फॉलो नहीं करता। बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते, आज्ञाकारी होते। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। दुनिया में भी देखो, बाप है गरीब मगर बच्चा बन जाता है बड़ा ऑफिसर या तो बड़ा धनवान बिजनेस बाप। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है, 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से भी तीखा चला जाता। सुना? इसलिए बाबा ने ऐसा नहीं किया, सीनियर है तो उनको मुझ पद मिलेगा जी, पुरुषार्थ करेंगे तो ही मुझ पद मिलेगा। उसने जो कंट्रीब्यूशन किया उनको बाबा कहते चला जाएगा, तभी स्वर्ग में जरूर आ जाएगा, मिलेगा ही, क्योंकि बाबा के लिए कुछ किया है ना, अभी तक संस्था को यहाँ तक लाया है ना। इसलिए रिस्पेक्ट रिगार्ड सबको देना, चाहे कैसा भी हो, बाबा कहते किसी के प्रति हमारी भावना बदलनी नहीं है, क्योंकि पूरा जीवन ही क्या है, भाव और भावना है, और भाव और भावना का आधार क्या है, हमारे संकल्प। हम किसी को देखकर क्या सोचते हैं, वो चाहे कुछ भी रोल प्ले करे, हमें क्या उनसे लेना है। बाबा ने उनको निमित्त बनाया है, वो अपना रोल प्ले करे, हम अपना रोल प्ले करें, सबसे अच्छी तरह हमारा रोल प्ले करें, नंबर वार तो होते ही है ना। बाबा कहते सब जगह, दुनिया में भी जाओ, स्कूल में कोई फर्स्ट नंबर है, कोई लास्ट नंबर है, तुम वास्तव में सब सजनीय हो, एक साजन को याद करते हो, साजन है सबका शिव बाबा। तुम जानते हो क्या, बाप आकर हमको सुखधाम का वर्षा देते हैं, लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं, जो पतियों का पति है वो परमात्मा है, साजन है सबका। जो हर सजनी को, आत्मा रूपी सजनी को ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से सजाकर अपने घर ले जाता है, और धूमधाम से, क्यों धूमधाम से, क्योंकि इतना बड़ा विनाश होगा तो कितने पटाखे फूटेंगे, कितने एटम बम टूटेंगे, अपने घर ले जाएगा, वहां से सतयुग या तो त्रेता में जाएगा, जिसका जैसा पुरुषार्थ। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहाँ कोई को याद नहीं करते, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है, निशान तो नहीं है मगर नाम भी नहीं है, और दुख होगा तो ही याद करेंगे ना परमात्मा को, वरना क्यों याद। इसलिए कोई याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, इसलिए बाबा कहते यहाँ की एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूएबल है, उसे गवाना नहीं, वरना गवाएंगे तो अंत में रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना है, तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबर वार तो बादशाही भी नंबर वार लेते हो, तुम सब समझा, तुमको सब समझा दिया है बाबा ने, सब कुछ नॉलेज दे दिया, कुछ अपने पास नहीं रखा, और एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा कितना इंटरेस्ट है, हम कितना पुरुषार्थ करना चाहते हैं, उसी के आधार पर होता है।
यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई बढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अन बड़े बड़े के आगर भरी टूए। दुनिया में भी होता है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है क्ला प्यून बन जाते हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे हैं ऑफिसर से उनके आगे क्या करते हैं, भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, बाबा कहते अभी भी टाइम है, अंत में नहीं मिलेगा। तुम जानते हो क्या जानते हो, जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना। जहाँ भी है, चाहे बाबा कहते देश में हो विदेश में हो, पढ़ते रहो। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कोई जट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा नज़दीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है ना। अच्छा बच्चा होता है, आते ही फूल स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। बराबर सुनना, अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। कल भी पापा ने कहा था ना वरदान में, क्या कहा था वरदान में, खास कहा था अपना घर क्यों जो भी है बंधन नहीं समझो, स्वाभाव की सेवा समझो। बंधन बंधन करते रहोगे तो फिर से उनके वहाँ ही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर हमारे भाव और भावनाएं बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ो और पढ़ाओ, सैपलिंग लगाते रहो, सर्विस करो बाबा की, सब कुछ अर्पण करो, नज़दीक का फूल बनो। समझता है अपना अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है, रास्ता दिखाना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो, अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है कि इस समय यह सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में, सब दुख में है, सब रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। अशोक वाटिका जहाँ दुख दर्द का नाम निशान नहीं, बाबा आकर ले जाता है। वहाँ नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हो, वहाँ तो क्या है माया का पॉम्प है, वहाँ दूसरा कुछ नहीं, लोग फंसते ही जाते। आजकल देखो क्या क्या लोग कर, इतना लोग खाना पीना बाहर का खा रहे, फिर क्या है ये कैंसर कार्सिनोजेनेसिस कार्सिनोजिक सब वस्तुएं बन जाती, अटैक, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पूरा खान पान ही बदल, पूरा हमारा कस्टम एंड सिस्टम बदल गया। कहाँ से सीखे हैं, सिनेमा पाप की माँ से सीखे। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, यह जो लगनी है यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। दापर की तो बात ही नहीं है ने, अभी तो घोर अंधियारा है ने। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है क्या, धनुष बांध दिया है, बाव एंड एरो दिया है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठ दोष बैठ लगाते हैं, देवी देवता का गाते हैं। राम राजा राम प्रजा धर्म का उपहार है, उपकार है, फिर ये सब बातें कहाँ से आई, ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबर वार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए, हम सब स्टूडेंट हैं और वी आर ए स्टूडेंट टिल द एंड ऑफ द लाइफ। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है हम, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम है पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट, इसमें बाप टीचर सतगुरु तीनों ही आ जाते। तुम सब सीताएं होने रावण की शोक वाटिका में पड़े हो,
इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हिज ज्ञान सागर नॉलेज फुल, श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में गाते भी है ना, उनकी महिमा अपरंपार है जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, आप कितने प्यारे हो, बाबा से कैसे बात करनी है सुनो, सीखना है। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं, लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो हमेशा मुस्कराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवता ये इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है, तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। हम सबका अंतिम जन्म है, हमें सबको श्री कृष्ण जैसा बनना है। अभी कृष्ण पूरी स्थापन हो रही है, श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयुग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुज मुन जाते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी नहीं है, शास्त्र पूरा का पूरा ढूंढ लो, कहीं भी छोटेपन नहीं दिखा है लक्ष्मी नारायण का। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे, अभी राधे कृष्ण का राज तो है नहीं, द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो ऐसा बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में मेहनत लगती है, विष्णु के अलंकार दिखाते हैं परंतु वास्तव में यह अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को संघ थोड़ी, हम तो हम क्या लिखें, मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े, कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये सब बातें समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी है, सिकिल दे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुखवंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है लेकिन उनको तीसरा नेत्र है नहीं, तुम्हारी अब तीसरी आँख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा तो है तो बच्चे भी साथ में होंगे, मेजोरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलती बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है, ज्यादा हमें दूसरी कमाई में नहीं जाना है, बहुत में नहीं जाना है, तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना। दूसरी पॉइंट है आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी, किससे करनी है, ज्ञान से। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। आज हमारे पास कुछ सर्कुलर आया है, हम भेजेंगे सबको। कई लोग ऐसा कहते हैं हम ट्रांस में जाते हैं, भोग लगाते हैं, जरा संभल कर चलना है, समय का इशारा बहुत ही तेजी से चल रहा है। भेजेंगे सबको, वरदान है। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। बाबा समझाते हैं अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी, इंद्रिया खुद ही विनाशी है तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी ही होगा ने, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता।
अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो ने। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो, लो भी नहीं, दुख लेते हैं तो लगता है ने। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय क्या करो, अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अनुभवी जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, सूर्य जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी, इसलिए अनुभवी अवश्य बनना है। अच्छा, ओम शांति।